हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ट्विलिंग फैदर बनाऊंगी, पिकॉक फैदर। इसके लिए मैंने ये ग्रीन और पर्पल कलर के स्ट्रिप्स ली हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पर्पल कलर की स्ट्रिप ली और इस तरीके से इसका टाइट कॉइल बनाया। हाथ से ही हम यहाँ पे इसे बनाएंगे। देन अब हमें इसके आगे एक स्ट्रिप और पेस्ट करनी है और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की स्ट्रिप ली है। यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा लूज कर दिया है और अब मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे मैंने इसे शेप देनी है। इस तरीके से इसको दबाएंगे दोनों साइड से। ये देखिए, इस तरीके से बन गया। और यहाँ पे मैंने दोनों कॉर्नर से इसको इस तरीके से मोड़ना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके की शेप बनेगी। ये देखिए, यहाँ पे एक पार्ट रेडी हो चुका है। इस तरीके के मैंने बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं एक पर्पल कलर की स्ट्रिप लूंगी, देन उसी तरीके से इसका टाइट कॉइल बनाना है। यहाँ पे एक के बाद एक पर्पल कलर की स्ट्रिप लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी बड़ा टाइट कॉइल बनाना है इस तरीके से। इसलिए हम यहाँ पे एक के बाद एक पर्पल कलर की स्ट्रिप आगे पेस्ट करते जाएंगे। देन अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रिप पेस्ट कर दी और आगे भी हम ग्रीन कलर की स्ट्रिप पेस्ट करते रहेंगे इसके साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको इस तरीके से मैंने शेप देनी है। आगे की तरफ थोड़ा सा दबाना है इस तरीके से। ये देखिए, ये बन चुका है। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की स्ट्रिप ली और इसको थोड़ा कट कर दिया इस तरीके से। अभी थोड़ा छोटा हो गया है। अब यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट करना है इस तरीके से। ये देखिए, पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे एक एक करके मैंने इसे पेस्ट करना है इस तरीके से।
एक एक करके इसी तरीके से सारे इसके पार्ट्स पेस्ट करते रहेंगे। Thank you so much, friends.